శివం శివం జటాటవీగలజ్జల ప్రవాహ పావితస్థలే గలేవలంబిలంబితాంబుజంగతుంగమాలికాం డమడ్డమడ్డమడ్డమడ్నినాదవడ్డమర్వయం చకారచండతాండవం తనోతు నః శివ శివం శివం. ఆప్కా హమారే ఛానల్ పే స్వాగత్ హై ఔర్ హమ్ ఆప్కో బతాయేంగే కి హమారీ జో హస్తాక్షర్ హై హమారే సిగ్నేచర్స్ ఉస్సే ఆప్ కైసే కిసీ కి పర్సనాలిటీ జాన్ సక్తే హై. मधुयू कह लीजिए कि आपका हस्ताक्षर आपका भाग्य बता सकता है. हस्ताक्षर व्यक्ति की संपूर्ण मानसिक स्थिति को प्रकट करता है. हस्ताक्षर की जांच करते या करवाते वक्त अपनी सोच को स्वतंत्र रखें. बिना हिचकिचाए और बिना कुछ सोचे और पूरी दृढ़ता से हस्ताक्षर करें तो वह हस्ताक्षर नमूना अध्ययन की दृष्टि से उचित होगा. अगर आपको हैंडराइटिंग का चेकअप कराना है तो महर्षि पराशर ने लघु ग्रंथ धिप्र में अक्षरों के स्वरूप से उनकी भाषा को स्पष्ट किया है. ऐसे सरल शब्दों में कह सकते हैं कि आपके अक्षर आपके बारे में क्या कहते हैं, यह उन्होंने विस्तार से समझाया है. फ्रांस के विद्वान मिंको ने भी इस विद्या पर विशेष अध्ययन किया है. तो एक तरह से आपके जो दस्तखत हैं, आपके जो सिग्नेचर हैं, वो आपकी पहचान बनती है. आप बहुत धन कमाते हैं फिर भी बचत नहीं कर पाते हैं, तो सिग्नेचर में थोड़ा बहुत सुधार या थोड़ा बहुत चेंजेस जो है उससे आप अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं. हस्ताक्षर आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं, इसी वजह से इस संबंध में पूरी जानकारी रखनी चाहिए. धन बढ़ाने के लिए जो चीजें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं हस्ताक्षर के हिसाब से. जैसे पहला, जो व्यक्ति अपने हस्ताक्षर में सभी अक्षर एक ही आकार के रखते हो, मतलब संतुलित हस्ताक्षर जिसको कहते हैं, तो व्यक्ति अत्यंत व्यवहार कुशल होते हैं. व्यक्ति अपने कार्यों और इरादों पर दृढ़ रहते हैं. ऐसे व्यक्ति जो भी निर्णय लेते हैं वो स्वतंत्र होता है. ऐसे व्यक्ति व्यवसाय से ज़्यादा नौकरी में सफल हो ऐसा संभव है. जल्द कामयाबी हासिल करने की तीव्र इच्छा इनके अंदर रहती है. इनका व्यक्तित्व दूसरों को आकर्षित करने में प्रबल होता है और इनके विचारों से प्रभावित होने वाले की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है. दूसरी हैंडराइटिंग, जो बहुत लोग फैले हुए हस्ताक्षर करते हैं, फैला हुआ मतलब काफ़ी फैल के हस्ताक्षर करते हैं, तो फैले हुए या लंबे लाइन या जी अक्षर के लूप या हिंदी में ऊ और ऊ की मात्रा का बड़ा होना वो यौन इच्छा की प्रबलता को दर्शाता है. ऐसे व्यक्ति दूसरों से अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं. इन्हें मतलबी यार भी कहा जा सकता है. कुछ लोग सिग्नेचर करते हैं तो पहले तो अस्पष्ट रहता है और फिर बाद में अस्पष्ट हो जाता है. तो कोई व्यक्ति यदि पहले अस्पष्ट और फिर दूर दूर शब्दों को लिखता है और अंतिम पैरों में छोटा और ठीक से पढ़ने में नहीं आने वाला लिखे तो उसके जीवन का प्रथम भाग बहुत अच्छा व्यतीत होगा और जीवन के अंतिम भाग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. कुछ लोग टेढ़े मेढ़े हस्ताक्षर करते हैं तो मानसिक रूप से आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग की हैंडराइटिंग के अक्षर टेढ़े मेढ़े होते हैं और ऐसा लिखा हुआ होता है जो ठीक से पढ़ने में नहीं आएगा. ये अपने लिखावट में पॉइंट्स अधिक लगाते हैं, इनकी खासियत ये होती है. कुछ व्यक्ति जो होते हैं अपने हस्ताक्षर का प्रथम अक्षर काफी बड़ा रखते हैं तो व्यक्ति उतना ही विलक्षण प्रतिभा का धनी और समाज में काफी लोकप्रिय होता है. व्यक्ति समाज में उच्च पद प्राप्त करने वाला होता है और दिखावा करने में माहिर होता है. देखिए हस्ताक्षर व्यक्तित्व जो व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण आईना होता है, इसलिए मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं. अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि जिसका पहला शब्द काफ़ी बड़ा हो, तो जो व्यक्ति अपने हस्ताक्षर का पहला शब्द काफ़ी बड़ा रहता है वो बहुत ही विलक्षण व्यक्तित्व का धनी होता है, समाज में लोकप्रिय भी होता है. ऐसे व्यक्ति के जीवन में पैसा बहुत आता है, कई भवनों का मालिक बनता है और समाज में काफ़ी लोकप्रिय होता है. किंतु कुछ रंगीन तबीयत और संकोची स्वभाव का
उत्तम श्रेणी का विद्वान भी होता है। वो अपने कुल का काफी नाम ऊंचा करता है। अस्पष्ट जो होते हैं, बिल्कुल ही अस्पष्ट, जिसको आप पढ़ नहीं पाए, तो जो व्यक्ति अपने हस्ताक्षर इस प्रकार से लिखता है जो काफी अस्पष्ट होते हैं और जल्दी जल्दी लिखे गए होते हैं, वह व्यक्ति जीवन को सामान्य रूप से नहीं जी पाता है। हर समय ऊंचाई पर पहुंचने की लक लिए रहता है और इस प्रकार का व्यक्ति राजनीति, अपराधी, कूटनीतिक या फिर बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। जीवन आपाधापी में व्यतीत करने के कारण समाज से कटने लगता है और लोगों की अपेक्षा का शिकार भी बनता है। यह व्यक्तित्व रूप से, मतलब व्यक्तिगत रूप से पूर्ण संपन्न तथा इनका वैवाहिक जीवन कम सामान्य रहता है। धोखा दे सकता है परंतु धोखा खा नहीं सकता है, ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। कुछ लोग हस्ताक्षर को काफी छोटा और शब्दों को तोड़ मरोड़ कर करते हैं। तो जो व्यक्ति हस्ताक्षर काफी छोटा और शब्दों को तोड़ मरोड़ कर उनके साथ खिलवाड़ करता है, जिसके फलस्वरूप हस्ताक्षर बिल्कुल पढ़ने में नहीं आता है, तो व्यक्ति बहुत ही धूर्त और चालाक होता है। अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान करने और नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकता है। पैसा और धन भी गलत रास्ते से कमाता है तथा ऐसा व्यक्ति राजनीति और अपराध के क्षेत्र में काफी नाम कमाता है। सबसे बड़ी बात यह कि नाम कमाता है पर अपराध के क्षेत्र में। जो व्यक्ति अपने हस्ताक्षर में पहला शब्द बड़ा और बाकी के शब्द सुंदर और छोटे आकार में लिखता है, उसका बताते हैं। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे उच्च पद प्राप्त करते हुए सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं, काफी पैसा अपने जीवन में कमाते हैं, कला प्रेमी होते हैं और अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। अब आते हैं जो व्यक्ति अपने हस्ताक्षर में पहला शब्द बड़ा और बाकी के शब्द अस्पष्ट, अस्पष्ट नहीं होगा, अस्पष्ट अस्पष्ट होगा और छोटे आकार में होगा, मतलब पढ़ नहीं पाओगे बाकी के, तो ऐसे व्यक्ति जीवन को असामान्य रूप से व्यतीत करते हैं। हर समय ऊंचाई पर पहुंचने की लड़क होती है लेकिन शत्रु की वजह से पहुंच नहीं पाते हैं। कोई व्यक्ति इन्हें धोखा नहीं दे सकता है, यह इनकी विशेष सोच होती है, लेकिन दूसरों को अपनी बात में उलझा लेते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपने हस्ताक्षर बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं, तो अपने मन की बात ये किसी को नहीं बताने वाले होते हैं। उनकी हस्ताक्षर को आप पढ़ भी नहीं पाओगे ठीक से, क्योंकि काफी फास्ट करते हैं, अपने मन की करने वाले और लापरवाह होते हैं। हर समय दूसरों के लिए नाराजगी बनी रहती है, दिमाग में हर समय कुछ ऐसा सोचते रहते हैं जो जल्द से जल्द कामयाबी के शिखर पर पहुंचाते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक इनकी सोच ज्यादातर असफल ही रहती है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार को जानने का सबसे सरल तरीका है उसके हस्ताक्षर की लिखावट। अभी जो व्यक्ति अपने हस्ताक्षर को थोड़ा भार देकर लिखता है, अपने हाथ को दबाकर लिखता है, हस्ताक्षर की छाप एक पेपर से दूसरे पेपर पर जाती हो, हस्ताक्षर को बड़े और गोलाई में लिखता हो, जिसकी लिखावट दाएं बाजू से थोड़ी सी झुकती हो, तो ऐसे व्यक्ति सामाजिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के साथ मिलजुल कर कार्य करने में विश्वास रखता है, समाज सेवा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर रहते हैं, अपने किए गए कार्यों होते हुए गर्व अनुभव करते हैं। कई लोग में समाज से कुछ पाने की प्रबल इच्छा भी रहती है। अभी लिखावट और हस्ताक्षर में यदि कोई अंतर नहीं रहता बहुत लोग का, जैसे वो लिखते हैं वैसे हस्ताक्षर भी कर देते हैं, तो जिस व्यक्ति के लेखन और हस्ताक्षर में कोई अंतर नहीं होता है वह जातक लगभग सभी के साथ समभाव रखता है, निश्चल तथा खुले दिमाग का होता है। यह जीवन गरिमापूर्ण बिताने का प्रयास करते हैं, अपने हर काम को यह बड़े सलीके से करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों की जो हस्ताक्षर होते हैं वो लिखावट से बड़े होते हैं, जैसे वो लिखते हैं उससे ज्यादा बड़ी हैंडराइटिंग में ये साइन करेंगे। तो यदि हस्ताक्षर लेखन से ज्यादा बड़ा हो तो ऐसे जातक अति महत्वाकांक्षी प्रकृति के होते हैं,
सारे रिश्ते नाते ताक पर रखकर काफ़ी हद तक अपनी मंजिल को पाने में कामयाब भी होते हैं। ये कल्पनाएं तो बहुत करते हैं लेकिन उन मूर्त रूप देने में टाल मटोल किया करते हैं, ये इनका माइनस पॉइंट होता है। बहुत लोग हस्ताक्षर के नीचे दो लाइनें खींच देते हैं। तो जो व्यक्ति अपने हस्ताक्षर के नीचे दो लाइनें खींचता है वह व्यक्ति बड़ा ही भावुक होता है, पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है, मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर होता है, जीवन में असुरक्षा की भावना रहती है जिसके कारण आत्महत्या करने का विचार भी मन में आता है। पैसा जीवन में अच्छा होता है परंतु कंजूस स्वभाव का होता है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो शब्दों को काफी घुमा फिरा कर सजा कर प्रदर्शित करते हैं। तो जो व्यक्ति अपने हस्ताक्षर के शब्दों को काफी घुमा सजा कर प्रदर्शित करके करता है वो व्यक्ति किसी न किसी हुनर का मालिक अवश्य होता है, यानी कि कलाकार, गायक, पेंटर, व्यंग्यकार, अपराधी भी हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों का समय जीवन के उत्तरार्ध में अच्छा होता है, एंड का जो टाइम होता है 45 के बाद वैसा रहता है। कुछ लोग अपना पहला अक्षर सांकेतिक रूप में लिखते हैं तथा जो उपनाम है वो पूरा लिखते हैं, उनके बारे में आपको बता देते हैं। जो व्यक्ति अपने हस्ताक्षर में नाम का पहला अक्षर सांकेतिक रूप से तथा उपनाम पूरा लिखता है तथा हस्ताक्षर के नीचे बिंदु लगाता है ऐसा व्यक्ति भाग्य का धनी होता है। मृदुभाषी, व्यवहार कुशल, समाज में पूर्ण सम्मान प्राप्त करता है, ईश्वरवादी होने के कारण इन्हें किसी प्रकार की लालसा नहीं सताती है। इसके फलस्वरूप जो भी चाहता है स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, वैवाहिक जीवन सुखी और संतानों को भी सुख प्राप्त होता है। अब हम बताते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले कैसे साइन करते हैं। जो व्यक्ति अपने हस्ताक्षर को हल्के हाथ से लिखता है, बहुत लाइटली लिखता हो, हस्ताक्षर की कोई छाप एक पेपर से दूसरे पेपर पर नहीं जाती, हस्ताक्षर छोटे और अस्पष्ट लिखते हैं, अस्पष्ट नहीं अस्पष्ट, मतलब थोड़ा सा समझ नहीं पाओगे, छोटे और अस्पष्ट, जिसकी लिखावट बाईं बाजू से थोड़ी सी झुकती हो, ऐसे व्यक्ति का सामाजिक जीवन बचपन में उपेक्षा का शिकार होने के कारण हीन भावना और उदासी जैसे कारण अंतर्मुखी बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को समाज से ज्यादा लगाव नहीं होता, अपनी ही धुन में रमे रहने वाले होते हैं। उनका व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा नहीं रहता है लेकिन खुद दूसरों से अच्छे व्यवहार की सदैव आशा लगाए रखते हैं। अपने अंदर की बात किसी को सरलता से नहीं बताते हैं। अब आते हैं जो व्यक्ति हस्ताक्षर को ना हल्के हाथ से और ना ही ज्यादा दूर दबाकर लिखता हो, ये लोग मध्यम व्यक्तित्व होते हैं। हस्ताक्षर की लिखावट सीधी हो, हस्ताक्षर छोटे अथवा मध्यम होकर एकदम स्पष्ट लिखते हो, ऐसे व्यक्ति का सामाजिक जीवन सामान्य होता है। ये लोग ना तो दिखाने में विश्वास रखते हैं ना ही छुपाने में। ये लोग हर समय असामान्य परिस्थिति में होने पर भी सामान्य बने रहने का प्रयास करते हैं। अनुसंधानों में ये देखा गया है कि जो व्यक्ति सीधा लिखते हैं वो भविष्य में गोते लगाने से वर्तमान में जीने में अधिक विश्वास करते हैं। ऐसी लिखावट वाले व्यक्ति बड़े आत्मविश्वासी होते हैं, उनकी स्वतंत्र सोच के कारण निर्णय लेने की क्षमता खचक की होती है और तर्कशास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं, ये इनकी खासियत होती है। बहुत लोग अंतिम शब्द के नीचे बिंदु लगाते हैं। तो जो व्यक्ति अपने हस्ताक्षर के अंतिम शब्द के नीचे बिंदी लगा देते हैं ऐसा व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का स्वामी होता है। ऐसे व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में जाते हैं काफी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और ऐसे व्यक्ति से बड़े बड़े लोग सहयोग लेने को उत्सुक रहते हैं। और जो व्यक्ति अपने हस्ताक्षर स्पष्ट लिखते हैं, क्लियर, तथा हस्ताक्षर के अंतिम शब्द की लाइन या मात्रा को इस प्रकार खींच देते हैं कि ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देती हो, ऐसे व्यक्ति लेखक, शिक्षक, विद्वान और बहुत ही तेज दिमाग के शातिर अपराधी भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत साफ होते हैं और हर एक के साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। अब हम आपको बताते हैं परोपकारी लोग कैसे दस्तखत करते हैं।
जो लोग मिलनसार होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, समाज सेवक होते हैं, वो व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। सामने वाला व्यक्ति कैसा भी क्यों न हो, उसे सम्मान देते हैं। सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद भी इनको समाज में सम्मान धीरे धीरे प्राप्त होता है। जीवन के उत्तरार्ध में आपको काफ़ी पैसा और पूर्ण सम्मान प्राप्त होता है। जीवन में इच्छाएं सीमित होने के कारण इन्हें जो भी धन और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तो उससे काफ़ी संतुष्ट रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हस्ताक्षर या लिखावट से हमारा सीधा संबंध मानसिक विचारों से होता है। हम जैसे विचार रखेंगे, लिखावट या हमारा हस्ताक्षर भी वैसा ही होगा। जिस व्यक्ति के लिखावट का झुकाव दाई तरफ होता हो, वह व्यक्ति बहिर्मुखी होते हैं, बहुमुखी जिसे कहें, जिस कारण सामाजिक प्रवृत्ति और व्यवहार कुशलता का विशेष गुण इनमें सरलता से मिल जाता है। अपने कार्यों की प्रशंसा की विशेष चाह रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अधिक कर्मशील होने से अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने की चिंता के कारण व्यक्ति में सदा कुछ न कुछ क्रियात्मक कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहने की इच्छा रहती है। भावनात्मक प्रवृत्ति के कारण अन्य लोगों के प्रति संवेदनशील होते हैं तथा उनके बीच रहना पसंद करते हैं। बहुत लोग बहुत छोटे छोटे लिखते हैं और सिग्नेचर करते हैं। तो जिस मनुष्य के हस्ताक्षर लिखावट की अपेक्षा काफी छोटे होते हैं, ऐसे लोग हीन भावना के शिकार होते हैं और हमेशा उनके मन में भय हावी रहता है। संकुचित स्वभाव होने के कारण ये अपनी बात दूसरों के समक्ष अच्छे ढंग से नहीं रख पाते हैं। अभी किसी किसी का जो हस्ताक्षर होता है उन्हें समझना ही बिल्कुल कठिन रहता, नहीं समझ पाओगे। तो जो व्यक्ति अव्यवस्थित ढंग से जल्दबाजी में हस्ताक्षर करते हैं, जिसे पढ़ना कठिन है, तो इस प्रकार के लोग महत्वाकांक्षी और परिश्रमी होते हैं, लेकिन इनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव बना रहता है। ये कूटनीतिक प्रतिभा के धनी होते हैं। ऐसे लोग राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा ज्यादा सफल होंगे। कुछ लोग कटे हुए हस्ताक्षर करते हैं। नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्तियों के हस्ताक्षर सामान्य रूप से कटे हुए प्रतीत होते हैं। इस तरह के लोग हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, इच्छनवर में रूठ जाएंगे और इच्छनवर में प्रसन्न भी हो जाएंगे। ये अपने आप से भी ठीक से प्रेम नहीं करते हैं। हर चीज में कमी निकालना इनकी आदत में शुमार होता है, ये इनका माइनस पॉइंट होता है। अभी जिस व्यक्ति की लिखावट का झुकाव बाईं ओर होता है, वो व्यक्ति शांत स्वभाव के होते हैं, उनमें अकेला जीवन बिताने की अधिक इच्छा होती है और ऐसे व्यक्ति थोड़े संवेदनशील होते हैं, जिस वजह से लोग उन्हें डरपोक समझते हैं। व्यक्ति अपने सोच और परिस्थितियों के कारण हमेशा अपने आप में खोया रहता है, जिससे वो सरलता से बाहर नहीं निकल पाते, जिसके कारण आसानी से मित्र नहीं बना पाते। उसके बाद हस्ताक्षर में कोई डैश डाल देता है। तो जो लोग हस्ताक्षर के अंत में बिंदु या डैश लगाते हैं, वो धीर गंभीर दिखाई देंगे, किंतु अंदर से बहुत शंकालु प्रकृति के प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें समझ पाना बहुत कठिन होता है। ये अपनी बातों को किसी से जल्दी शेयर नहीं करते हैं और स्वयं पर अपना संतुलन बनाने में निपुण होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हस्ताक्षर करते समय कलम पर अधिक दबाव डालते हैं, जरूरत से अधिक। तो ये लोग काफी जिद्दी होते हैं, संवेदनशील होते हैं और क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं। ये मक्खनबाजी नहीं करके स्पष्ट बोलने में अधिक विश्वास रखते हैं। कुछ लोग बिना कलम उठाए सिग्नेचर करते हैं। तो जो लोग बिना कलम उठाए एक बार में पूरा हस्ताक्षर कर देते हैं, तो ऐसे जातक वाद विवाद में पारंगत, रहस्यमयी, चालाक और अवसरवादी होते हैं। ये अपनी सफलता के रहस्य किसी से शेयर नहीं करेंगे। कुछ लोग बहुत फास्ट सिग्नेचर करेंगे, थोड़ा देर साइन कर दिया। तो जो मनुष्य तीव्र गति से हस्ताक्षर करता है, वो लगभग हर कार्य को दक्ष रहने की कोशिश करता है और हर चीज में फास्ट रहता है। उसे आलसी लोग कतई पसंद नहीं है। इनके ज्यादातर सोच अपने पर ही केंद्रित रहती है। कुछ लोग बाएं हाथ से हस्ताक्षर करते हैं। तो ऐसे लोग जो अपने हस्ताक्षर बाएं हाथ से करते हैं, उनमें गजब की प्रतिभा होती है। वे जिस क्षेत्र में चाहेंगे उसमें इतिहास रचने की कोशिश करते हैं। लापरवाही इनके जीवन का सबसे नकारात्मक पक्ष है।
कुछ लोग होते हैं जिनके हैंडराइटिंग, जिनकी लिखावट बदलती रहती है, हस्ताक्षर बदलते रहते हैं, तो व्यक्ति अस्थिर मानसिकता वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अधिक धन का अपव्यय करने वाले, थोड़ा सी लापरवाह, हर जगह अपनी मर्जी चलाने वाले और जद्दी किस्म के होते हैं। लोग इन पर सिर्फ विश्वास नहीं कर पाते। यदि कोई कर ले तो उनका विश्वास बरकरार रखने में ही असमर्थ होते हैं। मानसिक चिंता हमेशा बनी रहती है। आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स, जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल।